सो ग्रीटिंग्स पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार नए पोकेमोन अनबाउंड के एपिसोड के अंदर। और आज के एपिसोड में हम लोग करने वाले डेस्कोडाउन के अंदर जितने भी मिशंस थे ना, उनको क्लियर करेंगे और देखेंगे कि आगे हम लोग ड्रेस्को जिमलीडर के साथ बैटल कर पाते कि नहीं कर पाते। वैसे अगर आपको लास्ट एपिसोड देखना है जिसके अंदर हम लोगों ने चैलेंजिंग रोड को चैलेंज किया था और आपका सजेस्टेड पोकेमोन मैंने कैप्चर किया था कहाँ पे किया, तो देखना चाहते हो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एपिसोड पसंद आता तो लाइक करना और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उसके अंदर के कुछ मिशंस थे जो मिशन लॉक के अंदर हम लोग ने लास्ट टाइम रजिस्टर किए हुए थे लास्ट एपिसोड के अंदर, और सपोर्ट इसके लिए करना क्योंकि आप जैसे जैसे सब्सक्राइब करोगे, जैसे जैसे वीडियोस को लाइक करोगे, वैसे वैसे मेरा मोटिवेशन बढ़ते जाएगा और ज़्यादा कंटेंट भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक पर्टिकुलर मिशन है, उसके पास हम लोग जाएंगे। उसको क्या चाहिए वो चीज़ देखनी थी, लेकिन उस बंदे को चाहिए था एक अलोलियन सेंचुरू। तो अलोलियन सेंचुरू कहाँ पे मिलता है मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ, लास्ट एपिसोड के अंदर भी दिखाया था, लेकिन आज के एपिसोड में आपको दिखाने वाला हूँ कहाँ पे आपको अलोलियन सेंचुरू मिलेगा, जिसके वजह से हम लोग उस मिशन को क्लियर करेंगे। तो सीधा मैं आपको उस प्लेस में मिलूंगा जहाँ पे सेंचुरू मिलता है। सो हम लोग को मिल चुका है द अलोलियन सेंचुरू, आइसिकल केव के अंदर आपको मिल जाएगा अलोलियन सेंचुरू। और पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए रहेगा आपको तो लास्ट एपिसोड ज़रूर चेकआउट करना, मैं आपको वही बताने वाला कि कहाँ पे मिलने वाला था अलोलियन सेंचुरू। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि डेफिनेटली मैं फिर से एक बार अंदर जाऊँगा और आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा तो वो रिपीट हो जाएगा, उससे अच्छा बेटर आप लास्ट एपिसोड चेकआउट करना जिसके अंदर आपको मैंने बता के रखा हुआ है। फिलहाल एक सेकेंड मिशन है जिसके अंदर हम लोग को कैप्चर करना है आइदर रायोलू या फिर अजोरिल, दोनों में से एक पोकेमोन हम लोग को कैप्चर करना पड़ेगा जो वर्म होने के बाद इवॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये पोकेमोन आपको रूट नंबर 2 पे ही मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेटली अजोरिल हम लोग को लास्ट टाइम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दिख गया था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं थी कि अजोरिल के वजह से एक मिशन क्लियर हो सकता है हमारा, उसकी वजह से मैंने अजोरिल को कैप्चर नहीं किया। लेकिन फिलहाल जो मेरा मोमेंटम है वो है रायोलू की तरफ, इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा रायोलू को कैप्चर करना एज़ कम्पेयर टू अजोरिल। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पोकेमोन ढूंढते रहेंगे कि कौन सा पोकेमोन हम लोग को फिलहाल दिख सकता है, वो भी चीज़ देखनी पड़ेगी। और जैसे ही मुझे रायोलू मिल जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि रायोलू आपको कहाँ पे मिल सकता है। वैसे इसी पैचेस के अंदर आपको रायोलू रजोरिल मिलेगा, उसके अलावा दूसरा लोकेशन आगे फॉरवर्ड की तरफ रहेगा। लेकिन अगर आपको ये मिशन क्विकली कंप्लीट करना है तो मेरा सजेशन वही है कि अभी से अभी मिशन कंप्लीट कर दो, बाद में कुछ रखना मत। यस, डेफिनेटली मिशन लॉक ज़रूर है, लेकिन इसका यूज़ आप बाद में कर सकते हो क्योंकि आगे में मिशन बढ़ते रहेंगे, तो उसके लिए मैं अभी से ही इन पर्टिकुलर सिटीज़ के मिशन को कैप्चर करना स्टार्ट कर चुका हूँ। एक्टिव मिशन से उनको कंप्लीट करेंगे और मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें ज़रूर दिखाई देंगी। तो लाइक करना इस वीडियो को, और मैं फिलहाल ढूंढ रहा हूँ रायोलू या फिर अजोरिल को, मिलते ही मैं रिटर्न आ जाऊँगा। सो यहाँ पे सरप्राइजिंगली हम लोग को मिल चुका है रायोलू, बहुत ज़्यादा घूमने के बाद मुझे यहाँ पे रायोलू मिल चुका है। वो तो सारी लक की बात होती है, अगर आपको रायोलू फटाक से मिल जाता तो आपका लक बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं फिलहाल हील बॉल या फिर पोके बॉल उसमें से यूज़ करूँगा, ग्रेट बॉल यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो एक और ग्रेट बॉल यूज़ करके देखते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा डैमेज करना पड़ेगा रायोलू को अगर हम लोग को यहाँ पे इसको कैप्चर करना है। तो फिलहाल मैं 9 लेवल का सेंचुरू यूज़ करूँगा क्योंकि दूसरा सेंचुरू बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसके लिए हम लोग अभी थोड़ा पाउडर स्नो यूज़ कर लेते हैं और अभी एक और बार पाउडर स्नो यूज़ करके देखते हैं। डैमेज तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं गिर रहा है, इतना सुपर इफेक्टिव नहीं है। हिल बॉल यूज़ करते हैं, इसी के साथ हम लोग ने रायोलू को कैप्चर कर दिया है। हिल बॉल यूज़ करने के बाद अगर आप रायोलू को चेक करने जाओगे तो आपको वो फुल हेल्थ के अंदर दिखाई देगा, वो भी चीज़ मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ। अभी फाइनली जाके हम लोग ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो मिशन था उसको तो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन मिशन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। जब तक हम लोग उस बंदी के पास जाते नहीं, उसको रायोलू दिखाते नहीं, तब तक मुझे भी कंफर्मेशन नहीं होगा कि ये रायोलू पोकेमोन ही ढूंढ रही थी या फिर अजोरिल पोकेमोन को ही ढूंढ रही थी। ठीक है, तो अभी हम लोग आ चुके हैं ड्रेस्को टाउन के अंदर और अभी पर्टिकुलरली हम लोग को एक घर ढूंढना है जिसके अंदर हम लोग को अलोलियन सेंचुरू को ट्रेड करना है और उस बंदी को ढूंढना है जिसको हम लोग को ये रायोलू दिखाना है। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जो हमारे पास फिलहाल जो सेंचुरू पड़ा हुआ है लेवल 15 का, उसको पोकेमोन सेंटर के अंदर रख देंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद से कंफ्यूजन हो जाए तो उसके वजह से ट्रेडिंग में भी इशू होगा। ये वो बंदी थी जिसको काइंड ऑफ वर्म पोकेमोन चाहिए था जो हम लोग ने अभी फिलहाल कॉट किया है। देखते हैं पोकेमोन लेती है कि नहीं लेती, यहाँ पर रायोलू पकड़ा देते, अगर आपने देखा रहेगा करेक्ट आ गया ये आंसर भी और उसका हेल्थ भी फुल था। ठीक है, हील बॉल आपको बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। यहाँ पे हम लोग को सूद बेल मिल चुका है और बेल एक्चुअली बोरियस रीजन के अंदर आपको कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम रहेगी तो आप डेफिनेटली ट्रेनर टिप को पढ़ भी सकते हो, उसके वजह से आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। और सूद बेल आप किसी भी पोकेमोन को पकड़ा सकते हो, फिलहाल मैं रायोलू को ही दूंगा इस सूद बेल को क्योंकि उसने ही डिजर्व किया था इस पर्टिकुलर आइटम को। और होपफुली वोटिंग में रायोलू भी होगा और होपफुली वो जीत जाए, ऐसा है मेरा एक काइंड ऑफ सजेशन है। और
अभी फिलहाल जाते हैं अंदर पीसी के अंदर और एक रायलू को भी रख देंगे, उसके साथ साथ हम लोग पर्टिकुलरली उस सेंचुरी को भी रख देंगे, हमारा खुद का सेंचुरी रखेंगे और जो लेवल 9 का सेंचुरी है उसको मैं काइंड ऑफ ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। देखते हैं ट्रेडिंग के बाद कौन सा पोकेमॉन मिलने वाला है। वैसे लास्ट एपिसोड में उस बंदे ने मुझे बताया था कौन सा पोकेमॉन मिलने वाला है, लेकिन आज के एपिसोड में तो भी एक सरप्राइज रिवील हो जाएगा कि कौन सा पोकेमॉन अलोलियन सेंचुरी के बदले यहाँ पे हम लोग को दिख सकता है। ये वो घर नहीं था, ये घर अलग मिशन के लिए है, वो मिशन हम लोग ज़रूर देखने वाले हैं अभी, मतलब इसी एपिसोड में देखेंगे, तो बने रहे एपिसोड के अंदर। ठीक है, आइस टाइप सेंचुरी इस बंदे को चाहिए था और ये बंदा दे रहा था हम लोग को डकलेट, और डकलेट के पास आपको डिफॉग अटैक देखने मिलेगा जिससे करके आप फॉगी एरिया के अंदर जाते हो तो उसके बाद वो फॉग क्लियर हो जाएगा डिफॉग यूज़ करने के बाद, नहीं तो डकलेट निकाल के फॉग क्लियर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं इस गेम के अंदर। प्रीवियसली मैंने बहुत बार ट्रेडिंग कर ली है और कुछ ऐसे ट्रिक्स भी है जो मैं आपको फ्यूचर के अंदर जरूर दिखाऊंगा। GBA के अंदर GBA कैसे ट्रेड कर सकते हैं आप, वो भी मैंने किया था एक बार, तो वो भी आपको मैं फ्यूचर के अंदर दिखाई दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को क्वैकर मिलते हुए जिसका निकनेम क्वैकर है लेकिन इसका नाम है डकलेट, और इसमें पोकेमॉन का नाम है डकलेट, और उसने बोला है कि टेक अ गुड केयर और डकलेट आई ट्रेड यू नो डिफॉग। तो आगे अगर जिम लीडर है जो है ड्रेस्कोडाउन का जिम लीडर, उसके अंदर उसके जिम के अंदर हम लोग को डिफॉग का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ये मैंने देखा था, बाहर भी बहुत जन बोल रहे थे। और अगर इसके हस्बैंड का आप हेल्प करते हैं उसके बाद ये आपको 3 डस्क बॉल दे सकती है। डस्क बॉल आपको प्रोबेबिलिटी रेट बढ़ जाता है नाइट में किसी पोकेमॉन को कैप्चर करने के लिए। अगर इस गेम के अंदर नाइट हो जाती है तो उसके बाद आप डेफिनेटली वो डस्क बॉल यूज़ कर सकते हो पोकेमॉन को कैप्चर करने के लिए। और यहाँ पे अनदर वोटिंग में बंदा आ चुका है जिसका नाम है डकलेट, तो डकलेट रायलू और लिटलियो ये तीनों डेफिनेटली होने वाले हैं इस पर्टिकुलर वोटिंग सेक्शन के अंदर, और देखते हैं कौन कौन से पोकेमॉन अभी ज्वाइन होने वाले हैं। मेरा तो वही फ़िलहाल मानना है कि 5 पोकेमॉन रखूँगा और 5 पोकेमॉन में से जो 2 टॉप पे रहेंगे उनको मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल मुझे टीम को फुल कर देना चाहिए जिससे वजह से उनके लेवल भी बढ़ते रहे। एक्सपीरियंस शेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑप्शन सेक्शन का जो है एक्सपीरियंस शेयर गेम का, वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस बंदे से बातचीत कर लेते हैं और ये बंदा शायद से हम लोग को अनदर मिशन कैप्चर करने में हेल्प कर सकता है। और इस बंदे का जो मिशन था वो था कि आपको 100 टाइम्स सेव करना है। फिलहाल यहाँ पे मैं सेविंग स्टार्ट करने वाला हूँ, अगर मिशन लॉक के अंदर जाते हैं तो आपको दिखाई देंगे कितने सेविंग टाइम बचे हुए हैं फिलहाल। ठीक है, डोंट टर्न अप द पावर, ये जो मिशन था इसके अंदर अभी हम लोग को 82 टाइम्स सेव करना है, तो उतने टाइम में सेव करके फटाक से आपको मिलता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेविंग करने के लिए, फटाफट से कर लेते हैं। सो सेविंग को तो मैंने काउंट कर लिया है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 or 2 सेविंग बचे हो सकते हैं। मिशन लॉक के अंदर जाके चेक कर लेते हैं, फिलहाल सेव कर लेते हैं पहले और मिशन लॉक के अंदर जाके चेक करेंगे कितना सेविंग बाकी है, उसके बाद हम लोग को शायद से कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है। डोंट टर्न ऑफ द पावर, एक ही सेविंग बाकी है और इसको सेव करने के बाद ये मिशन जो है वो भी डन सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने फाइनली जाके 100 टाइम सेव कर लिया है। इधर आने तक मैंने ऑलमोस्ट 18 टाइम सेव किया हुआ था, तो मुझे यहाँ पे आके 82 टाइम सेव करना पड़ा। और ये बंदे के ऊपर मिशन डन होने के बाद आपको ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने मिलेंगे और यहाँ पे ये बंदा हम लोग को काइंड ऑफ रिवॉर्ड देने वाला है। ये बंदा हम लोग को दे रहा है द बॉटल कैप, बॉटल कैप सिल्वर ग्लीम देता है, सम पीपल आर हैप्पी टू रिसीव वन। और इसका मुझे लगता नहीं कुछ यूज़ होने वाला है, लेकिन मिशन कंप्लीट हो चुका है, थर्ड मिशन हमारा फाइनली जाके कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए मैं मिशन कंप्लीट कर रहा हूँ कि जिसके वजह से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मिशन कंप्लीट हो इस पर्टिकुलर गेम के अंदर। और सेव करेंगे गेम को, यहाँ पे गेम सेव हो चुका है और यहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे इस सिटी के चौथे मिशन की तरफ। 3 मिशन हो चुके हैं, चौथा मिशन बाकी है और उस मिशन का नाम है द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, बेसिक लिटरेसी जो मिशन है उसके अंदर आपको ट्रेनर टिप्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, 37 साइंस बाकी है पढ़ने के लिए, लेकिन पावर ऑफ द सेल्स के अंदर आपको 100 जाइग्रेट्स के सेल कलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जाइग्रेट्स के सेल कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको पर्टिकुलरली दिखाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर, आप पोकेमॉन अनबाउंड तो बने रहिएगा। सो ये जो सेल्स है जाइग्रेट्स के, अगर उनको ढूंढना है तो हम लोग को थोड़ा पीछे भी जाना पड़ सकता है, लेकिन इस सिटी के अंदर कहाँ कहाँ पे हम लोग को सेल्स दिखाई देंगे वो पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग को जो फर्स्ट सेल दिखने वाला है वो काइंड ऑफ शाइनी सा हो जाएगा ऐसा वो बंदा बोल रहा है। तो यहाँ पे वो बंदा है ना, इसने हम लोग को लिटरेसी वाला मिशन दिया था और यहाँ पे है सेल ऐसे चमकता रहेगा, तो आपको यहाँ पे जाइग्रेट का सेल मिला ही देगा। और ये काइंड ऑफ एक्टिवेट होता है जब आप उन बंदों के साथ बातचीत करते हो जिन्होंने हम लोग को ये पर्टिकुलर मिशन दिया है, वो काइंड ऑफ आपके सुपर क्यूब के अंदर कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर देते हैं, उसके वजह से आपको जाइग्रेट यहाँ पे देख सकता है एनवायरमेंट के अंदर।
तो लास्ट एपिसोड जरूर चेकआउट करना, कैसे इंस्टॉल किया था सुपर क्यूब के अंदर इस चीज़ को, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे पीछे की तरफ, क्योंकि पीछे की तरफ के जितने भी सेल्स हैं उनको हम लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा। पता नहीं मिलते कि नहीं, लेकिन यहाँ पे बीच पे भी एक सेल है ऐसा बोला जाता है, और यहाँ पे हम लोग को एक अनदर सेल मिल चुका है। ठीक है, तो दो सेल फाइनली हम लोग ने 2% सेल को कलेक्ट कर लिया है। इसके अंदर हम लोग को पर्टिकुलरली 10% सेल एटलीस्ट क्रिएट करने पड़ेंगे, कलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसके वजह से एक हाफ ऑफ द मिशन हम लोग का कम्प्लीट हो जाएगा। जो घुसते हैं देखते हैं क्या क्या मिलेगा आइसिकल केव के अंदर, कितने हम लोग को जैगरेट सेल मिल सकते हैं। पजल को सॉर्ट आउट करेंगे, और ऑलरेडी पजल सॉर्ट आउट किए हुए बहुत बार, तो उसके वजह से अभी आदत सी हो चुकी है मुझे। और यहाँ पे आपको कौन कौन से पोकेमोन मिलेंगे वो ऑलरेडी मैंने लास्ट एपिसोड के अंदर बता के रखा हुआ है, जरूर जाके चेक कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दी हुई है। यहाँ पे अनदर जाइग्रेट, तो 3% जाइग्रेट यहाँ पे हो चुका है, और 100 होने के बाद शायद से बड़ा जाइग्रेट हम लोग को मिल सकता है पॉपअप हुए हुए। बहुत अच्छी बात हो सकती है उस मैनर में, क्योंकि एक लेजेंडरी तो हम लोग को अभी हम लोग कलेक्ट कर ही रहे हैं, तो एक लेजेंडरी तो हम लोग के पास हो ही जाएगा। ठीक है, और अगर आप मेरे पोकेमोन ग्लेज रेड एडवेंचर चैप्टर जितने भी अभी तक मैंने गेम प्लेस खेले हैं उनके लिंक्स, अगर आप उस गेम प्लेस को चेकआउट करना चाहते हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। प्रॉपर हर एक की प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, जिसके मदद से आप कंटिन्यूसली एपिसोड्स को चेक कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे ज़ूबैट है 8 लेवल का, और यहाँ से हम लोग अभी बाहर निकल लेते हैं। आइसिकल केव से बाहर आने के बाद बेलन टाउन के अंदर जाएंगे, और बेलन टाउन के अंदर चेक कर लेते हैं कि शायद से वहाँ पे हम लोग को और एक काइंड ऑफ जैगरेट सेल मिल सकता है। यस डेफिनेटली यहाँ पे एक जैगरेट सेल है, और स्नो की वजह से ना वो चीज़ पता नहीं चलती आपको, क्योंकि वो भी सेम चमक रहा है और स्नो भी गिर रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। 4% हो चुका है। अभी मैं जाता हूँ सीधा फ्रोजन हाइट्स की तरफ, मतलब हमारा जो होम टाउन है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे चेक करते हैं कि वहाँ पे शायद से हम लोग को मिल सकता है अनदर जैगरेट सेल। और अभी यहाँ पे समथिंग कुछ दिखा था मुझे, लेकिन यहाँ पे है नहीं जैगरेट सेल। इतना चमकना, थोड़ा सा उसका ना पैटर्न अलग रखना चाहिए था, कंफ्यूजन नहीं होता। पैटर्न अलग रखते तो शायद से हम लोग को और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती थी वो चीज़, लेकिन क्या कर सकते हैं, डिफ़िकल्टी ज़्यादा है उसके वजह से, शायद से गेम को और डिफ़िकल्ट करने के हिसाब से उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी रहेगी। तो मैं ढूंढता हूँ फटाक से कहाँ पे मिलती ये चीज़। मैं सोच रहा था कि आपको सीधा लोकेशन दिखा दूंगा, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि आपको पूरा पाथवे दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो सकता है, उसके वजह से शायद से कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। क्योंकि कमेंट्स के अंदर जब आता है ना, तो कमेंट्स के हिसाब से मुझे बताने में थोड़ा सा तकलीफ ज़रूर हो जाता है पाथवेज, तो उसके वजह से मैं सोच रहा हूँ आपको प्रॉपर लोकेशन ही बता देता हूँ कहाँ पे ये मिलने वाला है। ठीक है, तो ऊपर के साइड पे कुछ तो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके ठीक है, तो यहाँ पे था वो चीज़ नहीं थी। और यहाँ से अगर आप पास ऑन हो जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 5% ऑफ सीक्रेट सेल। तो 5% हो चुके हैं, और ज़्यादा 95 बाकी है, लेकिन अभी देखते हैं कितने पीछे के साइड पे मिलते हैं। मुझे लगता नहीं ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 2% मिल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे था, और इस हमारे नेबर असिस्टेंस वाले बंदे के पास ज़रूर है, लेकिन यहाँ से जाने के लिए रास्ता नहीं है। कट अटैक ना हो बस उतनी बातें हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल एचएम्स है नहीं हमारे पास। और 6% यहाँ पे हो चुके हैं सुपर क्यूब के अंदर ऑफ जाइग्रेट सेल। ठीक है, तो हमारे घर के पास है क्या? नहीं है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग अभी आगे बढ़ लेंगे। पीछे जाने के लिए कट अटैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं आपको सीधा मिलूंगा ड्रेस्को टाउन के अंदर, वहाँ पे जाते और देखते और कौन से मिशन बाकी है हमारे। सो यहाँ पे हो चुके सारे मिशंस क्लियर, मैंने चेक कर लिया, हम लोग पहुँच भी गए ड्रेस्को टाउन। यहाँ पे कुछ भी चीज़ बाकी नहीं है, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कहाँ पे आपको मिलेंगे ये पावर ऑफ द सेल के मिशंस, मतलब जैगरेट के सेल्स। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि कौन सा अलोलियन सेंचुरी बेचने के बाद हम लोग को ट्रेड करने के बाद कौन सा अनदर पोकेमॉन मिलने वाला है। सारी चीज़ें सारे मिशंस मैंने आपसे कवर कर लिए है, आपको रिवॉर्ड्स भी पता चल चुका है। तो एपिसोड पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस पर्टिकुलर गेम को एपिसोड्स देखना चाहते हो, गेम के एपिसोड्स देखना चाहते हो, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देके रखी हुई है, और मेरे बाकी के सारे गेम प्लेस भी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करना, फॉलो कर देना, फॉलो क्या होता है, फॉलो कर देना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं आपको बताते रहता हूँ अलग अलग चीज़ें, वहाँ पे चैनल के बारे में अपडेट्स आते रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा प्यार दिखाना इंस्टाग्राम अकाउंट को, और उसको भी फॉलो करना, वहाँ पे भी कंटेंट डालते रहता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू वेरी मच गाइस। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके ऊपर कुछ भी करना है यार, कुछ भी कर दो, पावर अटैक कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन सब्सक्राइब बटन प्रेस हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पोकेमॉन अनबाउंड गेम प्ले के अंदर, वो भी हिंदी के। तो बाय बाय, टेक केयर, सायनारा।